अगर आज़ादी है गुनाह तो कबूल है सजा। हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वेल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज फाइनली थग्स ऑफ हिंदुस्तान, यस वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ दिस ईयर रिलीज हो चुका है उसका ट्रेलर। और यहां आज मैं आई हूं हमारे ऑडियंसेस से पूछने कि उन्हें ये ट्रेलर कैसा लगा और उनका रिएक्शन लेने। सो आपको ये ट्रेलर ऑल इन ऑल कैसा लगा? आपने ट्रेलर ऑफ कोर्स देखा, सो हाउ डू यू फील लाइक? सो आपने ट्रेलर देखा थग्स ऑफ हिंदुस्तान का? मुझे ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा है। जब ट्रेलर इतना दासू है तो पिक्चर कितनी दासू होगी। I've been a like a fan of Pirates of Caribbean of course, so I watched this trailer like an hour back. So काफी अच्छा था। It seemed to be like Pirates of Caribbean of India. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप guess कीजिए स्टोरी क्या हो सकती है ट्रेलर के बेसिस पे, ट्रेलर देख के आपको क्या लगा क्या स्टोरी हो सकती है? I guess it is based upon the Britishers like who came in 1700s to India and all they did is कब्जा कर लिया था उन्होंने सारे हिंदुस्तान के जितने भी चीज़ें थी, जो उनके खजाने थे, सोना था। सो मुझे जो मेरा पहला इंटरप्रिटेशन था इसको ट्रेलर को देखने के बाद, वो ऐसे ही लगा था कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान सारे इकट्ठे हो रहे हैं लाइक टू गेट दैट चेस्ट बैक ऑफ हिंदुस्तान की जितने भी था खजाना। सो दैट्स ऑल वेटिंग फॉर इट। स्टोरी ये हो सकती है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1795 समथिंग कुछ है, तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तब सबको हमारे देश में गुलामी पसंद नहीं थी। गुलामी के खिलाफ बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन लोगों में से भी किसी को सपोर्ट मिला और किसी ने आवाज़ उठाई तो उन लोगों की आवाज़ भी दब गई। और जो एक निकलते हैं दो तीन आदमी और मुसीबत का सामना करते हैं, और वो जो दिखाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डट के सामना किया, और वो जो दिखाया गया है अमिताभ बच्चन सर और आमिर खान सर, तो वो अच्छा लगा। ट्रेलर तो मैंने देखा है बट मैं अभी अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता मूवी कैसी होगी, लेकिन ट्रेलर के बेस पे अच्छी होगी। एक्चुअली क्या है मैडम, जो हिंदुस्तान के ऊपर जो दिखाया है, जो मतलब आज़ादी के ऊपर जो फिल्म दिखाई है, तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान मतलब जो आमिर खान का जो उनमें रोल अभी जो ट्रेलर में हम लोग देख रहे हैं, तो एक्चुअली मतलब बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। और अमिताभ बच्चन और आमिर खान की जो मतलब पहली मूवी ऐसी होगी, शायद पहली मूवी है, तो क्या एक मतलब अजब गजब ऐसा मजा आ जाएगा देखने के लिए, पब्लिक को भी और ऑडियंस भी मतलब खुश हो जाएगी। आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कैरेक्टर कौन सा लगा जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं, वेदर अमिताभ, फातिमा, कैटरीना और आमिर, विच कैरेक्टर यू लव द मोस्ट इन द ट्रेलर? अमिताभ सर और आमिर सर का मेरे को जो करेक्टर है वो काफ़ी अच्छा लगा है। और उनको कभी ऐसे देखा ही नहीं है, क्योंकि अमिताभ सर को हमेशा हमने एंग्री यंग मैन की लुक में देखा है हमेशा बॉलीवुड में, और आमिर खान को हमने ऐसे देखा है और जैसे पीके एंड उनके थोड़े एक्सेंट जो है वैसे ही आ रहे हैं इस बार ऐसे करके। सो दैट वाज सिमिलर टू जैक स्पैरो इन पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। सो ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं लाइक आई लव टू वॉच देम ऑन बिग स्क्रीन। हाँ एक्चुअली मैडम, मुझे अमिताभ बच्चन जी का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का जो मतलब अभी भी इतनी उम्र होने के बाद भी जो उनके डायलॉग डिलीवरी जो है, बोलने की मतलब तरीका उनका है, तो एकदम मतलब माइंड ऑफ ब्लोइंग है। तो बहुत मज़ा आएगा इस ट्रेलर को देख, ट्रेलर में तो मज़ा आ ही गया है लेकिन मूवी देखने में बहुत मज़ा आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि ये मूवी देखने बिल्कुल जाएंगे। जो चारों कैरेक्टर है उनमें से मुझे तो दो समझ में आए, जो कि आमिर खान सबसे बड़े जो उन थग्स ऑफ हिंदुस्तान में है जो अमिताभ बच्चन सर ने अपना रोल निभाया है, उसके टक्कर में आमिर खान सर कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कैरेक्टर उनका देखना, एकदम फिरंगी टाइप, मजाकिया टाइप, और अमिताभ सर एकदम सीरियसली टाइप, उनको मतलब आज़ादी चाहिए चाहिए और इनको ज़्यादा पता नहीं है, लग रहा है मूवी में दिखाया हुआ है।